कब और कहाँ? तुमने एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला किया है। बढ़िया। पहले मैं इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता हूं। हाँ, मैं समझाता हूं। ओके मिस्टर लैम्बिनो, पहले देखते हैं कि मुझे क्या पता है। वो बाउंटी हंटर्स अचानक मेरे सामने आए और तुम पकड़े गए थे बच्चों को ड्रग्स की छोटी पुड़िया बेचते हुए, और वो भी एक मॉल में। उसके बाद तुम जेल से भाग गए। तो मैं ये तो समझ सकता हूं कि अगर कोई पकड़े जाने की बेवकूफी कर सकता है तो वो भागने की भी बेवकूफी कर सकता है। नहीं, मैं बस मैं और फिर तुम पकड़े गए उन बाउंटी हंटर्स के हाथों एक बार फिर से। पर नहीं, तुम वापस जेल नहीं जाना चाहते। और तब तुम्हें ख्याल आया कि क्यों ना मैं उन्हें बता दूं कि तुम्हारा पुराना साथी किस जगह पर छुपा है। मुझे बताना पड़ा, नहीं तो वो मुझे जेल भेज देते। और इसीलिए मुझे उन बाउंटी हंटर्स को $10,00,000 देने पड़ेंगे मारियो के बदले में। मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सीधे उसे पुलिस के पास ले जाएंगे और वो कमीना मुझे अंदर करा देगा। मैं सही कह रहा हूं ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके आदमी हालात संभाल लेंगे। ओके क्या तुम्हें यह पता है कि अपनी जान छुड़ाना किसे कहते हैं? नहीं, नहीं पता। ये एक सोशल फिनोमेना है जहां एक ग्रुप में से कोई भी आदमी सही काम करने का जिम्मा नहीं उठाता। वो बस मान लेते हैं कि यह काम कोई और आदमी करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी दूसरे आदमी के घर में जबरदस्ती घुस जाता है। ओ गॉड, काफी गर्मी है, पसीना आ रहा है। ओके, तो ये आदमी उसे पीटना शुरू करता है, मेरा मतलब बुरी तरह पीटता है। सारे पड़ोसी सब कुछ सुन पाते हैं लेकिन कोई भी फोन उठाकर पुलिस को फोन करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? इसे कहते हैं अपनी जान छुड़ाना, समझे? और हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ओके, तो ऐसी सिचुएशन हो तो दो चीजें हो सकती हैं। एक, कोई भी आगे बढ़कर सामने नहीं आता और वो आदमी मार दिया जाता है। या फिर एक नेक फरिश्ता, जिसके चांस बहुत कम है, एक नेक फरिश्ता फैसला करता है फोन उठाकर पुलिस को बुलाने का। तो अब बताओ, इस सिचुएशन में मैं कौन हूं? मुझे नहीं पता, शायद वो जो फोन उठाता है वो। नहीं, मैं वो हूं जो घर में जबरदस्ती घुसा था। ओह गॉड, उसने फ्रांसिस को भेजा है। चला, बाहर निकल।
अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। डिक्की से पैसों का बैग बाहर निकलेगा और इसे डिक्की में डाला जाएगा। लेट्स गो। तुम इसकी मौत क्यों चाहते हो? क्या ये बताओ, तुम मारियो की मौत क्यों चाहते हो? यूं समझ लो कि मेरा बॉस एक सेफ खिलाड़ी है, ओके? खतरों के खेल में एक सेफ खिलाड़ी कमाल है। डायलॉग अच्छा मार लेते हो। अपनी रकम उठाओ और इस कमीने को डिक्की में डालो। नो। ओह, बैक ऑफ फनी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूं। उसकी तरफ से पिस्टल हटाओ तुम। वो 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 गाइस गाइस वो ये गलत जगह पे क्यों लात मारते हैं यार? मैं ठीक हूँ, मारियो का पीछा करो। तुम्हारा खेल खत्म हुआ मारियो, अब चलो डिक्की में। बिल्कुल नहीं फ्रांसिस। ओह नो जूस, एक कदम भी हिलाया तो तुझे उड़ा दूंगा, समझा?